हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एग्रीकल्चर स्पेशल में जनरल एग्रीकल्चर के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ें। जो जनरल एग्रीकल्चर का हम आप लोगों को मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं वो बहुत ही गुणवत्तापरक है, और इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे मोबाइल नंबर 8009448821 पर कॉल करके आप हमसे उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कैंट एक प्रजाति है जई की। भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या है या भारत को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 15। एक सिंचाई होने की स्थिति में गेहूँ की सिंचाई किस अवस्था में करनी चाहिए? ताज मूल की अवस्था में, क्राउन रूट इनिशिएटिव की अवस्था में, CRI स्टेज। टमाटर की कौन सी किस्म का फल नाशपाती के आकार का होता है? पंजाब छुहारा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है वाराणसी में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है लखनऊ में। मेंडल ने मटर के कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? ये थे कुल 7। भारत में किस दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति विकसित की गई? ये अरहर है दलहनी फसल, जिसकी प्रथम संकर किस्म भारत में विकसित हुई। नरबंधता लाइन को प्रदर्शित करते हैं ए लाइन से। इक्री सेट किस देश में स्थित है? ये हैदराबाद भारत में स्थित है। एक उन्नत प्रजाति की प्रारंभिक बीज कहलाता है नाभिकीय बीज। खेत की SRI विधि किस फसल में से संबंधित है? धान से। प्रजनक बीज के लिए किस रंग का लेबल प्रयोग होता है? टैग पीला सुनहरा। गेहूं में बौनेपन के लिए कौन सी जीन उत्तरदायी होती है? नोरिन 10 जीन उत्तरदायी होती है। एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन। पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए अनिवार्य तत्व बताए गए हैं 17। गन्ने में रस की औसत मात्रा होती है 60 से 70%। भारत में प्रथम 1970 में कपास की विमोचित संकर किस्म है? H4। आम की सिंधु प्रजाति संकर है किसका? किसका क्रास है? रत्ना और अल्फांसो का। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है 9। बुशनिंग प्रक्रिया की जाती है धान में। आम्रपाली क्रास है दशहरी और नीलम का। रत्ना क्रास है नीलम और अल्फांसो का। मल्लिका क्रास है नीलम और दशहरी का। तो सभी दोस्तों को अगर ये पढ़ाई अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर STVision को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए अधिक से अधिक मेहनत करते रहें और अच्छे अच्छे वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहें। और ये हमारा जो पढ़ाने का तरीका है कैसा लगता है उसे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।